मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या देवाधिक भजे हूँ है मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ छठवाधिकार और घर गृहस्थी और लौकिक जीवन में चलने वाली विपरीत मान्यताओं का निराकरण यहाँ किया जा रहा था। एक एक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। मानो लोगों के घरों में घुसकर टोडरमल जी ने भोले निकालने का प्रयास किया है। मंदिरों में जा जाकर, घर में जा जाकर, परिवारों में देखकर, समाज में देखकर, समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़मूल से निकालने का प्रयत्न किया है टोडरमल जी साहब ने। एक एक लाइन बहुत गंभीर है, महत्वपूर्ण है। एक एक बात को अंदर की गहराई में उतर करके पंडित जी साहब समझाते हैं, बताते हैं। कुदेव और कुगुरु संबंधी प्रकरण को हम यहाँ पूर्ण कर चुके हैं। काफ़ी चर्चाएँ कुदेव के संदर्भ में भी हुई थी और अपेक्षित विस्तार से चर्चाएँ कुगुरु के संदर्भ में भी की जा चुकी है। कुगुरु संदर्भ में जितनी भी चर्चाएँ की उनको दो प्रकार से बांट देना चाहिए। सबसे पहला तो आगम के आधार से और दूसरा प्रकरण लौकिक में जो युक्तियां चलती हैं, तर्क चलते हैं उसके आधार से। आगम आधार से भी सिद्ध करने के पहले कुगुरु की चर्चा कई अपेक्षाओं से की थी, जैसे कुल अपेक्षा से चर्चा की, पट्ट द्वारा चर्चा की, कोई धर्म का अंग धारण करके अपने आप को गुरु मान लेता है, कितने ही वेश धारण करके अपने आप को गुरु मानते हैं और कैसे कैसे वेश, कोई पगड़ी लगाता है, कोई टोपी पहनता है, कोई अंगूछा पहनता है, कोई गुदड़ी ओढ़ता है, न मालूम कितने कितने प्रकार से यहाँ चर्चाएं की गई थी। फिर जैन मत में भी इस प्रकार के वेशधारी हो गए। जब टोडरमल जी ने बात कहना प्रारंभ किया तो टोडरमल जी ने आगम का सहारा लिया। सच्ची बात है कि जगत में किसी व्यक्ति के बारे में यदि आपको कुछ कहना हो तो जब तक आपके पास में ठोस प्रमाण न हो तब तक आप हिम्मत नहीं करें किसी के बारे में कुछ कहने की। यहाँ कुगुरु का प्रसंग चल रहा था और टोडरमल जी ने आगम पे आगम शास्त्र पे शास्त्रों के उद्धरण यहाँ प्रस्तुत कर दिए और अनेक आगम प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद जब यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि ये कुगुरु का सेवन गृहित मिथ्यात्व है और ये पाप है और ये हमारे लिए ही अनर्थकारी है। कुगुरु का जो होगा सो होगा, गुरुओं का जो होगा सो होगा, लेकिन हमारे लिए अनर्थकारी है। जब यह बात गहराई से श्रावकों के चित्त में बैठ गई तो फिर टोडरमल जी ने शिथिलाचार की पोषक युक्तियां उठा उठा कर उनका निराकरण करने का प्रयास किया। ऐसी चर्चाएं उठाई जिन चर्चाओं में आपको प्रश्न दिखाई देंगे, आस पड़ोस में लोग आपको इस तरह की बातें कहते हुए नजर आएंगे। उन सारी बातों को पंडित जी ने यहाँ उठाया और बहुत सुंदर ढंग से उसे प्रस्तुत किया और कई कई तरह की युक्तियाँ, हमसे तो अच्छे हैं तो फिर वर्तमान में भी होने चाहिए, पंचम काल में भी मुनि होते हैं, फिर आप कैसे निषेध करते हो, फिर जितना कर रहे हैं उतना तो अच्छा माने, ये सारी बातें। और फिर श्रावक भी तो वैसे नहीं है जैसे मुनि होते हैं, मुनि तो चौथे काल के चाहते हो और श्रावक पंचम काल के बने रहना चाहते हो, ये कैसे चलेगी बात। गजब गजब के तर्क और युक्तियों के आधार पर वो सारा प्रकरण यहाँ कल तक हम संपन्न कर चुके हैं। और आज कुधर्म, खोटा धर्म, धर्म मान रखा है। सच में धर्म के नाम पर जितने अनर्थ होते हैं ना दुनिया में, उतने किसी नाम पर नहीं होते।
श्रद्धा के लुटेरे कहते हैं, श्रद्धा श्रद्धा लूट ली है। जिनकी श्रद्धा लूट गई है उनसे आप कुछ भी करवा सकते हो। जो श्रद्धा से अंधे हो गए हैं, जिन जिन्होंने श्रद्धान में विपरीतता जिनके यहाँ आ गई है, अब उनकी स्थिति क्या होगी? अब जो कर रहे हैं धर्म, नहीं नहीं ये तो धर्म है, नहीं नहीं ये तो धर्म है, ये तो करना पड़ेगा हमारे को, क्या क्या अनर्थ धर्म के नाम पर ये जीव नहीं करता है, उनकी चर्चाएं यहाँ करेंगे, अन्य मतों की भी चर्चा करेंगे और जैन मत की भी चर्चा करेंगे। आप सोच सकते हैं अन्य मत की चर्चा क्यों? इसलिए कि जैन कुल में पैदा होकर के भी तू इस प्रकार का आचरण करने लगता है। जैन कुल में पैदा होकर के भी तेरा आचरण, तेरी प्रवृत्तियां धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या। अभी तो शुरू नहीं किया मैंने प्रकरण, कहीं रात जगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं दुनिया भर के आडंबर करते हैं, मंदिरों में करने लगे हैं, घर में करने लगे हैं, और धर्म होता है इससे, पितरों को खिलाएंगे, कहीं ऐसा करेंगे हैं, कहीं गोद भराई करेंगे, कहीं जो जो नाटक नौटंकी चलती है ना, धर्म के नाम पर खेल कूद होने लगे हैं, धर्म के नाम पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर जितने नाटक होने लगे हैं, दशरक्षण पर्व सामने दिखाई देता है, कवि सम्मेलन हो रहे हैं, नाच गान के कार्यक्रम हो रहे हैं, डांडिया खेले जा रहे हैं, बातें बहुत आने वाली है यहाँ, कहाँ कहाँ इस जीव ने वो गरबा डांडिया एक ही बात है ना, माने धर्म के नाम पर कर रहा है ये सब चीजें, और धर्म मान रहा है और कह रहा है आज के आनंद की आनंद आ गया साहब, आज तो मजा आ गया था पंडित जी, अरे क्या नाचे हैं साहब, क्या भक्ति की है, क्या डांस कराया है उन्होंने, और बहुत गजब साहब, तो तुझे नाचने का आनंद आया, धर्म समझता है धर्म क्या होता है, क्या बोलो, धर्म तो समझते नहीं है, धर्म का स्वरूप तो पता नहीं है, तो जैसा दिखता है। और फिर आगामी पीढ़ियां जो हैं वे ये सोचने लगती है कि भाई ये तो होता है, ये तो हमारे पूर्वज करते थे, ये तो हमारे पिताजी करते थे, ये तो हमारे दादाजी करते थे, ये तो हमने बचपन से देखा है। बस जिन बातों को आप बचपन से देख रहे हो उन बातों को गलत स्वीकार करने का आपका मन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर काल की मोहर लग जाती है, काल कह रहे 50 साल से देख रहे हैं साहब हम तो, बोलो अब ये धर्म के नाम पर जिस तरह की प्रवृत्तियां मंदिरों में चल रही है, जगह जगह चल रही है, अब आप सोचिए जरा, अब 100 साल बाद में अरे साहब बरसों से होता रहा है साहब, आप क्या नई रीति चलाते हो? अरे नई नहीं चला रहे हैं, तुमने नई चलाई है, कितना 50 साल से चल रहा है, तो 50 साल पहले नई चलाई ना, कि नहीं नहीं साहब 100-150 साल से चल रही है, तो 150 साल से नई चला दी है ना। आज भी तुम मंदिरों के अंदर डांडिया खेलते रहोगे और ये परंपरा 200 साल बाद में लोग क्या कहेंगे, 200 साल से चल रही है साहब डांडिया खेलना, कोई गलत थोड़ी ना होता है। अब लो साहब अब क्या करोगे, गरबा खेलना, डांडिया खेलना, नाच गान करना, ये कोई गलत थोड़ी ना होता है, ये तो सदा से ही होता आ रहा है, ऐसी बातें करेंगे लोग। कोई भी चीज, कोई भी गलत प्रवृत्ति को चला देना बहुत आसान है, लेकिन उसे रोक देना ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है लाल भाई, रोका नहीं जा सकता है। एक बार यदि कोई गलत परंपरा आपके यहाँ चल गई है, किसी मंदिर में चल गई है और धर्म के नाम पर चल गई है, तब तो उसे कौन, भगवान भी उतर करके आ जाए तो नहीं रोक सकते, हमारे भगवान तो आते नहीं है उतर करके, देव आ जावे, इंद्र आ जावे, धमकाएं, बेचारे दुखी हो जाते हैं। इसलिए पंचम काल में चलने वाली विकृतियों को दूर करने के लिए स्वर्ग से देव भी नहीं आते, वो जानते हैं यार पंचम काल में क्या क्या अनर्थ नहीं देखने को मिलते हैं। अवसर्पणी काल, उसमें भी हुंडाव सर्पणी नाम का काल, और इस हुंडाव सर्पणी काल के अंदर ये गृहस्थ लोग, ये श्रावक लोग दुनिया भर के ऊटपटांग काम करते हैं, वेश धारण करके काम करते हैं, तो स्वर्ग के देव भी ये सोचते हैं भाई साहब कहाँ तक माथा मारते रहेंगे, किस किस को समझाएंगे हम, रोज ही दिखते हैं। आज इस मंदिर के अंदर कोई अनर्थ कर रहा है, कल दूसरे मंदिर में कोई अनर्थ कर रहा है, आज कोई श्रावक कर रहा है, कल कोई वेश धारण करके कर रहा है, रोजाना यही काम बचा है क्या हमारे पास में समझाने का? चौथा काल यदि होता तो विकृतियां कम थी, और वे देव लोग आकर के धमका देते हैं, समझा देते हैं, बता जाते हैं, और लोग सुधर भी जाते हैं। यहाँ तो आज मुझे सुधारने के लिए देव लोग आ जाए तो कल आप करने लगेंगे, फिर आना पड़ेगा, दूसरा कर रहा है फिर तीसरा कर रहा है।
निरंतर 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 महाविकृतियां चल रही है, और उन विकृतियों की चर्चा उठा उठा करके अच्छे खींच खींच के चांटे मारे टोडरमल जी साहब ने। और अरे साहब क्या बात, ऐसी बातें करते हो साहब, आप कमियां ही देखते हो दूसरों की, अच्छाइयां नहीं देखते हो, कभी अच्छाइयां भी तो देखो, आपको कमियां ही दिखाई देती है, दूसरों के दोष देखना अच्छी बात नहीं है। तो टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा है, वो आपको यहां कोट करना चाहता हूं मैं, पेज नंबर 267 पर, सातवां अधिकार जहां समाप्त हुआ है वहां टोडरमल जी ने ये वाक्य लिखा है। तो एक महीने बाद में, दो तीन महीने बाद में जब चलेगी अपनी चर्चा तब तो करेंगे ही, लेकिन अभी आपको इसलिए बतला रहा हूं कि औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, ये वाक्य है, आप लोग खोल के देख लेना, लास्ट पेज है सातवें अध्याय का, 267 नंबर का पेज है, ऊपर फर्स्ट लाइन में मिल जाएगी आपको चर्चा। औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, और यदि अपने में इस प्रकार का कोई दोष दिखे तो उसे निकाल लेना। बस यहां जो पांचवें अध्याय में चर्चा की है, यहां जो छठे अध्याय में चर्चा की है, यहां जो कुदेव कुगुरु और कुधर्म के संदर्भ में चर्चाएं की गई है, इन सारी चर्चाओं में अपने में यदि कोई दोष हो तो निकाल देना, दूसरों के दोष देख दे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कशाई नहीं होना, ये कशाई के लिए नहीं है। लेकिन इस प्रकार की विकृतियां क्योंकि जैन समाज में भी पनप रही है, इस प्रकार की विकृतियां क्योंकि जैन धर्म के नाम पर घुसती चली जा रही है अंदर, इसलिए चोट मारना थोड़ा सा जरूरी महसूस होता है, पढ़नी चाहिए चोट। अरे यदि आप पढ़ेंगे नहीं, आप यदि अपने परिवार में बताएंगे नहीं, आप यदि अपने बच्चों को, आप यदि अपने जानकार लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर ये विकृतियां चलती ही जाएगी ना, बताना तो पड़ेगा, अकेला संजीव गोदा के बताने से काम नहीं चलेगा क्या सुरेश जी भाई साहब, आपको भी बताना पड़ेगा, घर में बताना पड़ेगा, जानकार लोगों में बताना पड़ेगा, वज्रसेन जी साहब आपको बतलाना पड़ेगा अपने समाज में, दिल्ली में लोगों के बीच में, वीनू भाई, उल्लास भाई, आईएस जैन साहब, आप लोगों को बताना पड़ेगा जगह जगह, माने ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, सुने चाहे नहीं सुने, माने चाहे नहीं माने कोई व्यक्ति, लेकिन कम से कम उसके कान में ये बात पड़ेगी तो कभी विचार करने का अवसर तो मिलेगा, क्या सच्चाई है और क्या गलत है, ऑप्शन तो मिलेगा उसे, दो बातें हो जाएगी। सुनील जी भाई साहब आपके लिए कह रहा हूं ये बात, सबके लिए बात है, नरेश जी लोहड़िया जी साहब सबके लिए बात कह रहा हूं, ये हम लोग जितने लोग हैं सब लोगों को मिलकर के यदि ये बात हमारे को समझ में आती है तो आगामी पीढ़ी तक, हमारे जानकार लोगों तक, हमारे परिचित लोगों तक ये बात पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है कि भैया ये धर्म नहीं है। युगल जी बाबू जी बहुत कहते थे, सच कह रहा हूं, बहुत बोलते थे, वैसे तो बातें बहुत गहराई से सूक्ष्मता से करते थे, लेकिन जब कभी प्रसंग बनता था व्यावहारिक बातों को कहने का तो वे चूकते नहीं थे। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तो कट्टर विरोधी थे। मैंने 2005 में दशरक्षण पर्व कोटा में उनके सानिध्य में किया, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, प्रवचन के बाद में, रात को प्रवचन हो जाने के बाद लोगों को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे प्रवचन को खा जाता है, खत्म हो जाता है सारा का सारा प्रवचन। जो बात सुनी है ना इसने, उसके बाद में सुनते ही जो असर रहता है दिमाग पर, सोचने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, अब तुरंत आपने नाच गान चालू कर दिया और सब खत्म हो गया वो सारा। पहले करो आप, ऐसा लगने लगाए प्रवचनों का आयोजन तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए होने लग गया है, लोग आ जाए इकट्ठे हो जाए तब तक फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करेंगे। अरे कार्यक्रम पहले करो तुम और बाद में प्रवचन रखो, सब लोग चले जाएंगे। क्या करें भाई, 188 नंबर पेज खोलिए, टोडरमल जी की बातें देखिए जरा क्या कह रहे हैं। 188 नंबर, कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानाधिक का निषेध। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं, जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो वे विषय कषायों की वृद्धि हो,
वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। कुधर्म की परिभाषा कह दी आपने टोडरमल जी सामने, क्या होता है कुधर्म, कुधर्म क्या है? कुधर्म ये नहीं है जो भूषण खाने खुले हुए हैं, कुधर्म वो नहीं है जो लोग व्यापार रोजगार कर रहे हैं, कुधर्म वे नहीं है जहां दुनिया भर में हिंसाएं हो रही है, कुधर्म वे है जो धर्म के नाम पर हो रही है। क्या कहा? विषय कषाय के सेवन को कुधर्म नहीं कहा है यहां पे, कषायों की प्रवृत्ति को कुधर्म नहीं कहा है। गृहस्थ जीव घर में पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोगता है उसे कुधर्म नहीं कहा है। तो फिर क्या है? जब वो धर्म के नाम पर चलने लग जाती है, जब उसके ऊपर धर्म का कवच चढ़ जाता है, जब उसे धर्म के कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो फिर वो सब धर्म कुधर्म कहलाता है, वो कुधर्म बन जाता है। उसका यहां निषेध कर दें। जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, जिन क्रियाओं में हिंसा उत्पन्न हो रही है, जिन क्रियाओं में पाप उत्पन्न हो रहा है, जिन प्रवृत्तियों में जीवों का घात हो रहा है, विराधना हो रही है, एक इंद्री दो इंद्री त्रस जीवों की विराधना हो रही है, और इतना ही नहीं विषयों का सेवन हो रहा है, चक्षु इंद्री के विषय का सेवन हो रहा है, रसना इंद्री के विषय का सेवन हो रहा है, खान पान में धर्म मान रखा है, ये विषय तो है, स्पर्शन इंद्री का विषय, डल्लभ के गद्दे लगे हैं, बैठने की सुंदर व्यवस्थाएं हैं, एसी चल रहे हैं, धर्म धर्म हो रहा है भाई साहब, विषयों का पोषण, स्पर्शन इंद्री का विषय, रसना इंद्री का विषय, खान पीन की व्यवस्थाएं हो रही है, चाय नाश्ते का इंतजाम है, भक्ष्य अभक्ष्य का उसमें विचार नहीं है, ये विषयों का पोषण। और क्या कह रहे हैं? कषाय, कषायों का पोषण हो रहा है, अपनी मान बढ़ाई के लिए करता रहता है, यश प्रतिष्ठा के लिए करता रहता है, मान सम्मान के लिए करता रहता है, और उपाधियां मिल जाती है, धर्म शिरोमणि, धर्मात्मा, श्रावकोत्तम, और न मालूम क्या क्या उपाधियां, किनको? मान यश प्रतिष्ठा आदि के लिए जिन्होंने खूब इस तरह के काम किए उन सबको। तो तीन शब्द यहां महत्वपूर्ण हो गए, हिंसादि पाप उत्पन्न हो, हिंसा के साथ में आदि शब्द का प्रयोग कर दिया, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, हिंसादि पाप उत्पन्न हो। देखो अब ये आदि शब्द के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अभी परिग्रह कहां से आएगा साहब मंदिर में? मंदिर में परिग्रह कहां से आ गया? अभी वो जो हिंसादि की जो सूक्ष्म व्याख्याएं हैं, आत्म परिणाम हिंसन, और जो समझ लीजिए झूठ, चोरी, कुशील आदि की जो परिभाषाएं चलती है, अब्रह्म, आत्मा से उपयोग बाहर निकला वो अब्रह्म है, परिग्रह पर में ममत्व बुद्धि, वो यहां नहीं लगाना अभी, अभी स्थूल दृष्टि से मोटी मोटी भूलों को निकालने की चर्चा चल रही है यहां। ये परिग्रह पाप, आप मंदिर के अध्यक्ष हैं, आप सेक्रेटरी बन गए हैं मंदिर के, आपके कार्यकाल के अंदर एफडीआई कितनी बड़ी बतलाई है, आपके कार्यकाल के अंदर प्रॉपर्टी कितनी बढ़ गई है मंदिर की, बड़े गर्व से बतलाता है, पंडित जी जब मैं मंत्री बना था ना सेक्रेटरी, उस समय सिर्फ 15 लाख की एफडीआई थी, और आज 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया मैंने पिछले 5 साल के अंदर, 2 करोड़ की एफडीआई है आज। तो तुझे मंदिर का मंत्री किस लिए बनाया था? मंदिर के अध्यक्ष किस लिए बने थे? मंदिर के पदाधिकारी आप किस लिए बने थे? पैसा इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा कर कर करके एफडीआई बनाने के लिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो होते हैं ना इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति, माने घर गृहस्थी के अंदर जो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, मंदिर और पंचायत में भी हम वो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अरे किसी व्यक्ति ने दान दिया है तो काम कराइए, दान दिया है तो उसको उपयोग में लीजिए, दान दिया है तो मंदिर के जीर्णोद्धार में उपयोग लीजिए, स्वाध्याय में उपयोग लीजिए, शिविर लगाने में उपयोग लीजिए, लोगों को पढ़ने पढ़ाने में उपयोग लीजिए, बच्चों को गिफ्ट दीजिए और उन्हें प्रेरित कीजिए धर्म धार्मिक संस्कार डालने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने समझने के लिए, इसलिए दिया है। आप उसे जोड़ते रहें, जब काम होता है तब अपने आप लोग पैसा देने वाले आते हैं और तुम उसे जोड़ते रहते हो। ये तो परिग्रह संचय जैसी बात है, ये धर्म के नाम पर हो रहा है, और गर्व करते हैं, मूंछों पर ताव देते हैं, मैंने 2 करोड़ इकट्ठे कर दिए, मैंने 5 करोड़ का फंड बना दिया, मैंने ये कर दिया। तो फंड बनाने के लिए दान दिया था क्या किसी व्यक्ति ने?
किसी भी व्यक्ति को यदि ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति फंड बनाने के लिए दान ले रहा है, तो दान देने वाले के परिणाम नहीं होते, वो तो ये सोचता है काम हो रहा है। जहां काम होता हुआ देखा जाता है वहां दान देने का भाव होता है। काम होना चाहिए इकट्ठा करने के लिए नहीं। आप पुस्तकें बांटिए कोई बात नहीं, आप हमसे पैसा लीजिए, हम तैयार हैं पैसा देने के लिए, लेकिन करो काम आप। ये सब हिंसादी पाप की बात कर रहा हूं मैं, परिग्रह पाप की बात की है मैंने। ऐसे हिंसादिक लगा लेना, यहां मंदिरों में गीजर लग जाते हैं, बिना छने पानी के प्रयोग होते रहते हैं पक्षाल करने वालों को आकर्षित करने के लिए। मैंने देखा 10-12 साल पहले कोलकाता के अंदर, मुझे बालचंद जी पाटनी जी साहब ने दिखाया मेरे को, पंडित जी हमने यहाँ मंदिर के अंदर व्यवस्था की है और गर्म पानी की व्यवस्था की है, लेकिन बिना छने पानी का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से व्यवस्था की, इस तरह से सेटिंग बैठा रखी है। वाह, तो कुछ सोचिए आप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कह रहे हैं पाप उत्पन्न हो, विषयों का सेवन, कषायों की वृद्धि। टोडरमल जी विस्तार करने वाले हैं यहां। अभी जो टोडरमल जी विस्तार करेंगे वो टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर चलूंगा मैं धीरे धीरे। यहां कह रहे हैं विषय कषायों की वृद्धि हो। विषय कषाय की वृद्धि भी होती है, जगत में देखी जाती है, लेकिन घर गृहस्थी के कामों में हो तो हो, बोलो। ये कह रहे हैं यहां वहां धर्म माने, प्रॉब्लम धर्म मानने का है। प्रॉब्लम इस चीज में है कि आपने उसके ऊपर धर्म का लेवल लगा दिया, यह समझ लिया गया धर्म है, धर्म है, धर्म है। क्या सो कुधर्म जानना, इसका मतलब धर्म माने सो कुधर्म है, इसका मतलब प्रवृत्तियों में बात नहीं है, प्रवृत्तियों के ऊपर भी चोट मानेंगे, लेकिन माने सो कुधर्म है। माने शब्द है, देखो आप शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म माने सो कुधर्म, लड्डू खाने में ऐतराज नहीं है, गुलाब जामुन खाने में ऐतराज नहीं है, सारी जो प्रवृत्तियां आप खान पान के नाम पर कर रहे हो उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर कर रहे हो, पिकनिक के नाम पर कर रहे हो, उसे पिकनिक जैसा रूप बना दिया गया है, 10 लक्षण पर्व पिकनिक जैसे मनने लग गए हैं। मुमुक्षु मंडलों में तो कम होते हैं, लेकिन दुनिया भर में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं होती है भाई साहब, गजब हो गया, फैंसी ड्रेस चल रहा है। अब कौन सा धर्म हो गया और कौन सा धर्म का अंग है उसमें, लेकिन धर्म के नाम पर चल रहा है। बीच में कई बारें कही थी मैंने इस प्रकार की बातें, कवि सम्मेलन रख लेते हैं, धार्मिक रखो, विद्वानों को बुला करके विद्वानों को कवि के रूप में आप प्रस्तुत करो और विद्वान अपनी तात्विक कविताएं सुनाएं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए, पाठशाला के बच्चों को तैयार कीजिए और रखिए कवि सम्मेलन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाहर से जैन अजैन कवियों को बुला करके शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले हैं और हजारों लाखों रुपया लेने वाले, और धर्म के नाम पर आयोजन पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, ये सब नौटंकी धर्म के नाम पर कुधर्म की श्रेणी में चली जाएगी। कहां कहां हम समझ रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं धर्म और हो रहा है अधर्म। मुझे जब इस तरह की चर्चाएं कुछ ज्यादा चलने लगती है तो कभी कभी आत्मार्थियों को ऐसे लगने लगता है कि यार ये बातें मत करो पंडित जी, अपन लोग जब इस तरह का कुछ करते ही नहीं, हाउ जी चलता है, तम बोला हाउ जी, और ये सब चलता है। पंडित जी जब अपन लोग इस तरह के काम करते ही नहीं है, काहे को इसमें टाइम वेस्ट करते हो। अरे भाई टोडरमल जी ने मौत की कीमत पर ये बातें लिखी है, ये क्यों भूल जाते हो आप, क्यों लिखी है पंडित जी ने ये बातें, मौत की कीमत पर लिखी है ना, माने इस कीमत पर लिखी है कि यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मौत भी यदि आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सत्य बात कहूंगा कहूंगा कहूंगा, और मेरे सत्य बात कहने से यदि दो व्यक्ति भी सुधर जाएं, चार व्यक्ति भी यदि सुधर जाएं, पूरा समाज तो नहीं सुधरेगा हमें मालूम है, सभी सुधर जाएंगे तो सभी मोक्ष तोड़ी ने चले जाएंगे क्या। सुनील जी भाई साहब कहाँ तक कहते रहे रंगोली मेहंदी मेहंदी प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है, कहाँ कहाँ तक चल रही है बातें। हम यदि कहेंगे ही नहीं तो सुधरने के चांस नहीं है, और आप ऐसी गलत फहमी भी नहीं रखें कि हम कहेंगे तो सब सुधर जाएंगे, क्योंकि सभी सुधर जाएंगे तो फिर संसार में कौन रहेगा, 608 ही तो जाएंगे 6 महीने में मोक्ष, और इस भरत क्षेत्र पंचम काल में तो वो भी संख्या कहाँ दिखती है,
विदे पांच विदेह क्षेत्रों से जा रहे हैं वर्तमान में मोक्ष। तो पापी जीव दिखाई देते हैं, खोटी गतियों से आए हैं, खोटी गतियों में जाने वाले दिखाई देते हैं। कोई भाग्यशाली जीव ऐसे होंगे तत्व ज्ञान की आराधना करने वाले जो मर करके स्वर्ग में जाएंगे, बाकी तो नरक त्रियंश से आए हैं और नरक त्रियंश में जाने वाले हैं। इस पंचम काल में बाहुल्यता ऐसे ही लोगों की है, नरक त्रियंश में जाने वालों की, और आए भी वहीं से हैं उसी प्रकार के लोग। हम आप जैसे कुछ लोग क्या उंगलियों पर गिनने जितने से लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, थोड़े से दृढ़ हैं इन क्रियाओं के प्रति, पालन करने के प्रति। और गजब की बात कहूं, सच्ची क्रियाएं पालन करके भी यदि उसमें धर्म मान लिया तो तूने जड़ क्रियाओं में धर्म मान लिया, यहां भी तूने अनर्थ कर बैठा। कुछ अलग बात कह दी मैंने, टोडरमल जी से अलग बात कह दी, अभी आगे चल करके करेंगे पंडित जी इस तरह की सारी चर्चाएं, सातवें अध्याय में जाकर के करेंगे। क्रिया कर रहा है इधर, हम तो सही कर रहे हैं ना पंडित जी, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, हम तो बराबर कर रहे हैं कि नहीं, हम तो ये सब चीजें जो कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो पूजन ही कर रहे हैं ना, और पूजन करके ही तो धर्म मान रहे हैं हम क्या, तो हमारी क्या गलती है, हम तो सही रास्ते पर चल रहे हैं। कि सुन, इनको करके यदि तू धर्म समझ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तूने जड़ की क्रियाओं में धर्म समझ लिया। राग धर्म में, धर्म राग में, अब तक ऐसा माना था। माने दादा ने बहुत सुंदर सुंदर लाइनें लिखी है देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला के अंदर, देखना, यहां नहीं बोल रहा हूं, कभी भाव आ जाएगा तो फिर कभी सुना दूंगा। यहां देखिए, सो कुधर्म जानना, इतना हो गया, अब जरा सुनो जैनियों की बात भी और अजैनियों की बात भी। यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, यज्ञ चल रहे हैं, आदि लगा दिया, उसमें हवन चल रहे हैं क्या, यज्ञ हवन है और जो भी आडंबर चल रहे हैं, महाहिंसा उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे। ओह, ये जो बातें चल रही है ऐसा समझ लीजिए आप जैन धर्म नहीं है, और दूसरे धर्मावलंबी लोग बलि चढ़ाते हैं, हवन आदि करते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसे ऐसे यज्ञ थोड़े थोड़े से अपने यहाँ भी, विश्व शांति महायज्ञ, और उसमें हिंसा हो रही है। विश्व शांति महायज्ञ, और वो विश्व शांति महायज्ञ के नाम पर हवन करेंगे, लकड़ियां जलाएंगे, कुछ का कुछ करेंगे, ऐसे लगता है हिंदुओं जैसी प्रवृत्तियां हो गई है। सुरेंद्र जी भाई साहब सही कह रहे हैं, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, क्या करें। इसलिए उपाय क्या है, तो टोडरमल जी का वो वाक्य मैंने पढ़ करके सुना दिया आपको, 267 नंबर, 267 नंबर पेज का वो क्या वाक्य है, भैया अपना लोटा छान करके पियो, औरों के दोष देख देख करके कशाई मतो, अपने में यदि कोई विकृति दिखाई दे रही है, कोई कमी दिखाई दे रही है, छान लो ना अपना लोटा, क्या दिक्कत है आपको, बस यही उपाय है। यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे, बड़े जीवों के घात में पंच इंद्रियों का घात करता है, और इंद्रियों के विषय पोषण करे। ये देखो, जो पहले जो परिभाषा बतलाई ना सवा लाइन में, सवा लाइन में जो कुधर्म की परिभाषा बतलाई है, उस कुधर्म की परिभाषा का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पहला शब्द था जहां हिंसादि पाप उत्पन्न, परिभाषा याद कर लीजिए क्योंकि विश्लेषण इन्हीं बातों का चलने वाला है। हिंसादि पाप उत्पन्न हो, विषय का पोषण हो और कषाय का पोषण हो। अभी देखिए, हिंसा की बात कर दी पंडित जी ने, यहां यज्ञ आदि क्रियाओं में, हवन आदिक में लकड़ी, आपको मालूम है ये जो पार्श्वनाथ के साथ जो प्रसंग बना था, राजकुमार पार्श्वनाथ के साथ में जलते हुए नाग नागिन, वो तापस जो था जो नाना लगता था उनका, और वो लकड़ियां और उसके अंदर नाग नागिन के जीव जल रहे थे, वो खोल करके देखा, लकड़ी के अंदर जीव उत्पन्न हो जाते हैं और आप लकड़ियां जला रहे हो हवन में, समिधि कहते हैं उसको, जला दी उसके अंदर बहुत सारी लकड़ियां ले आई, इकट्ठे कर लिए, धूप डाल दी, त्रस जीवों का होम हो रहा है उसके अंदर, त्रस जीव मर रहे हैं उसके अंदर, लकड़ियां बीधी हुई रहती है, वो जो बीधी हुई जो लकड़ियां हैं उन लकड़ियों में कितने जीव पड़े हुए हैं आपको, नहीं नहीं साहब पंडित जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तुम्हें आंखों से क्या दिखाई देगा,
कभी कभी बरसात के दिनों में ये जो ग्रंथ है ना हमारे सामने, इस ग्रंथ के ऊपर कोई ऐसे बारीक बारीक से जीव होते हैं। आप सोचते हो धूल का कण है, फूंक मारते हो तो हिलता नहीं है, और फिर वो चलता है तो पता लगता है ओ जीव है। तो ऐसे बारीक जीव आपको दिखते हैं कभी, आप कहाँ पकड़ पाएंगे? उन लकड़ियों में, उस बुरादे के बीच में, और आग जला दी जाती है और वो होम होते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर चल रही है सारी प्रवृत्तियां। अरे क्या धर्म हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, यदि उसे रोक दिया गया और यदि उसे नहीं किया गया, यदि आग नहीं जलाई गई तो क्या फर्क पड़ गया उसमें? नहीं नहीं धर्म कम हो जाएगा थोड़ा सा, क्या क्या पागलपंथी है, इससे क्या धर्म का संबंध है? अपने विवेक को तो जागृत रखो थोड़ा सा। तो महापाप हो गए, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे। इंद्रियों के विषय पोषण, सुंदर ड्रेसअप, सुंदर डिजाइनिंग, सुंदर सेटिंग है, आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए, विषय पोषण के लिए। अभी हमारे जयपुर में तो बहुत होता है, आप लोगों के यहाँ पता नहीं, धूप दशमी के दिन, सुगंध दशमी के दिन झांकियां लगती हैं, लगने लग गई होगी और भी देश में सब जगह पर झांकियां लगाते हैं। और उन झांकियां लगाने के अंदर लड़के लड़कियां और सब ऐसे एक्टिंग नाटक और न मालूम क्या क्या उसके अंदर काम होते हैं, ये सब कह रहे हैं विषयों का पोषण करें। उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो। ओ, क्या कह रहे हैं? विषयों का पोषण करे, जीवों में दुष्ट बुद्धि रखें और रौद्र ध्यानी हो। रौद्र ध्यानी समझ गए आप? हिंसा में धर्म मान रहा है। रौद्र ध्यानी मतलब क्या है? हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौरिया नंदी, परिग्रहा नंदी, ये सब रौद्र ध्यान है। शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में की थी मैंने कल चर्चा थोड़ी बहुत, ये सब रौद्र ध्यान है। क्योंकि उसने आनंद मान रहा है, हो रहा है पाप और मान रहा है आनंद, तो पाप में आनंद मानने का नाम रौद्र ध्यान है। ध्यान 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 को बहुत उत्तम समझता है ये व्यक्ति। ध्यान हो रहा है सब, ध्यान कर रहे हैं सब, ध्यान कर रहे हैं सब। अरे ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान नरक का कारण है। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान नरक का कारण है। आर्थ ध्यान त्रियंश गति का कारण है। श्रृंगार की प्रधानता है, मेकअप की प्रधानता है, नाचने गाने की प्रधानता है, और फिर रौद्र ध्यानी हो रहा है, देख देख करके मजे मान रहा है। तीव्र लोभ से, अब ये कषाय की बात कह दी, विषयों की बात कह दी, पहले हिंसा की बात कह दी, फिर विषय की बात कह दी, अब कषाय की बात कह रहे हैं। तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे लो, और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने, सो कुधर्म है। मैं यदि अपनी कोई चीज को वहां बेचूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। अब दे भी रहा है तो दान भी दे रहा है, तू बांट भी रहा है, लेकिन तेरे हृदय में वो एडवर्टाइजमेंट करने की भावना है। 20,000 का दान देकर के बोले 2,00,000 का बिजनेस मिल जाएगा, मैं ऐसे ही थोड़े ना बिजनेसमैन हूं। मैं 20,000 का दान ऐसे ही नहीं दिया है मैंने, 20,000 का दान देकर के इन्हीं लोगों के बीच में एडवर्टाइजमेंट होगा तो 2,00,000 कमाऊंगा, लोभाधिक का अभिप्राय। ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने सो कुधर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इन बातों को पहले और एक आध पैराग्राफ दिया है, फिर और खोलेंगे उन सबको। अभी देखिए क्या है, लड़के की बलि देते हैं, चांदी वाली साहब कह रहे लड़के की बलि देते हैं, पता नहीं चलती होगी कहीं परंपराएं, जीवों की तो होती है, त्रियंशियों की तो होती है, कहीं होती होगी इस प्रकार की। तथा तीर्थों में, अब आगे बढ़ो थोड़ा, तीर्थों में तीर्थ क्षेत्रों की बात करो साहब, वे अन्य अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे। तीर्थ क्षेत्रों में और दूसरी जगहों पर स्नान आदि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है। आह, गंगा स्नान करता है, यमुना स्नान करता है, क्षेत्रों पर जाकर के नहाता है, ऐसा समझता है कि त्रिवेणी में स्नान कर लो, इस जगह पर स्नान कर लो, अपने यहां भी इस तरह के कई, ये कुंड है पंडित जी, इस कुंड के अंदर नहा लेना चाहिए,
यहां जाकर के पैर धो लेना चाहिए, इस जगह पर ऐसे हो लेना चाहिए, जल मंदिर दिखाई देता है। जैसे शिखर जी पे समझ लो आप कि अपने ये पंचतीर्थ है ना, क्या नाम है, राजगिरी समझ लो आप, जगह जगह पर ऐसा यहाँ शीतल जल का ये बहता है, यहाँ ऐसा होता है, इस जगह पर करने से ऐसा हो जाता है, ये सब है। छोटे बड़े जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, अरे बहुत आराम मिलेगा यहाँ जाकर के पैर धोने से, धर्म होता है। इसलिए विषय पोषण होता है और काम अधिक बढ़ते हैं खान पान के नाम पर। कौतूहलाधिक से वहां कषाय भाव बढ़ाता है, कौतूहल करता है, कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो ये कुधर्म, धर्म मानता है। जगह जगह पर पंडित जी मान्यता के ऊपर चोट मार रहे हैं, मानता है तू ऐसा, मानता है तू ऐसा, मानता है, तो धर्म कहाँ हो गया भाई, ये सब कुधर्म है। एक पैराग्राफ और पढ़ता हूं, जितना अभी तक पढ़ा है उतना ही और पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ नाम नाम गिराए हैं पंडित जी ने, चर्चाएं किए, क्या क्या कर रहा है ये धर्म के नाम पर, धर्म हो रहा है सब, धर्म हो रहा है क्या। देखिए, तथा संक्रांति, जैन जैनेतर सब शामिल हो जाएंगे इसमें, ये किसी संप्रदाय के ऊपर चोट नहीं मारी गई है, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये समष्टिगत कथन है, सामूहिक कथन किया जा रहा है, जिसमें जो भूल अपने में दिखाई देवे, अपने आसपास में किसी के दिखाई देवे तो सुधारने का प्रयास करना, नहीं सुधरे तो आकुलित व्याकुलित नहीं होना, बस इतना उपदेश है। संक्रांति, संक्रांति के जानते हैं क्या होता है, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है, साल में 12 बार संक्रांति आती है। मकर संक्रांति तो फेमस है, दान पुण्य करता है ऐसे काल में, संक्रांति के काल में तिल का दान देता है, तेल का दान देता है, गुड़ का दान देता है, बनाता है, खाता है, संक्रांति के दिन है, पर्व है, सब दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, और संक्रांति का दान दान मांगने के लिए आते हैं लोग, जैनी लोग भी देते हैं, जैन लोग भी करने लगे हैं ये सब बातें। ग्रहण व्यतिपादादिक में दान देता है, तीन चीजें हो गई, संक्रांति में देता है, ग्रहण में देता है और व्यतिपातादिक में दान देता है। व्यतिपातादिक क्या है, उल्का पातादिक, ऐसे जो कोई ग्रह आदि कोई गिर गए, कोई इस तरह का हो गया, ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण के काल में, चंद्र ग्रहण के काल में संकट आ गया, भाई संकट आ गया हमारे देवता के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर संकट आ गया, हमारे भगवान के ऊपर संकट आ गया, गजब हो गया। भक्तों के संकट को भगवान दूर किया करते थे, आज भगवान के ऊपर संकट आ गया तो भक्त दूर कर रहा है, कहां बुद्धि चल, समझ में नहीं आता। देवों के ऊपर भी संकट आ जाएगा तो श्रावक दूर करेंगे उसे, गृहस्थ दूर करेंगे। दान देता है वह बुरे ग्रहादिक के अर्थ, दान देता है बुरे ग्रहादिक के अर्थ दे रहा है। शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा हो हमारे यहां ऐसा है, ये हो गया है, ऐसा हो गया है, शनि की 7.5 चल रही है, दहिया चल रही है, राहु का थोड़ा सा प्रकोप है भाई साहब, मंगल की दशा है, मंगल की दशा, राहु केतु थोड़े से बलवान है इनके, अभी ग्रहों की दशाएं देख देख करके पागल हो रहा है, उनको शांत करने के लिए पागल बने जा रहा है और धर्म समझ रहा है उसे। जैन धर्म में जैन लोग भी ये काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आश्चर्य होता है। वीतरागी धर्म मिल जाने के बाद, सच्चा धर्म मिल जाने के बाद, वीतरागी देवगुरु धर्म मिल जाने के बाद, ग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर चोट मार देने वाले ऐसे गुरु मिल गए हमारे को, चाहे वे गुरुदेव हो, चाहे टोडरमल जी हो, चाहे बनारसी दास जी हो, ये जो गुरु हमारे को जो परंपरा मिल गई है, ये सारे वीतरागी संत दिगंबर संतों की जो परंपरा है, पिछले 2000 वर्षों की परंपरा, इस पूरी परंपरा में हर व्यक्ति ने, हर समझदार व्यक्ति ने इन धार्मिक कुरीतियों के ऊपर चोट मारने का प्रयत्न किया है, सबने, आचार्य कुंद कुंद से लेकर वर्तमान तक हर विद्वान ने, हर ज्ञानी व्यक्ति ने, हर समझदार व्यक्ति ने बिल्कुल निडर और निर्भीक होकर के इन कुरीतियों के ऊपर चोट मारने का प्रयत्न किया है। फल कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन गलत परंपरा हम चलने नहीं देंगे। टोडरमल जी ने लिखा आगे कि साहब, यदि कोई धर्म मार्ग में गलत परंपरा चला दे तो क्या होगा, पढ़ा है क्या, याद आती है क्या आपको, नहीं याद आती है इसलिए याद दिलाना पड़ता है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, ये जो पहला अध्याय जो था ना, उस पहले अध्याय में
वहां प्रश्न उठाया था इस प्रकार का, 18-19 नंबर पेज के आसपास है प्रकरण। हिसाब यदि कोई गलत परंपरा चला दे तो, यदि बीच में कोई मिलावट कर देवे तो, बीच में कोई इस प्रकार की चर्चाएं मिल जाएं तो क्या होगा? तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, भैया आगे आने वाले धर्मात्मा लोग ऐसी गलत परंपरा को चलने नहीं देंगे। ये बात लिखिए, सच्चे और झूठे मोतियों की जिस तरह से झलक नहीं मिलती उस तरह से यहां भी जानना, चलने नहीं देंगे ज्ञानी जी इन बातों को। यह असत्य पद रचना प्रतिषेध 12 नंबर पेज पर है प्रकरण, 12 नंबर पेज पर है। साहब कोई व्यक्ति ने बीच में मिला दिया, धर्म के नाम पर चला दी कोई परंपरा, और धर्म के नाम पर यह परंपरा चला दी तो चल रही है अब ये परंपरा और चलती रहेगी आगे इस प्रकार की, तो फिर कौन कौन रोकेगा उसे कि चिंता मत करो तुम, कोई आएगा, कोई आएगा इस तरह का सुधार करने वाला और इन गलत परंपराओं के ऊपर चोट मारेगा। हमारे यहाँ जयपुर के अंदर पंडित चैन सुखदास जी थे, बहुत पुराने विद्वान थे, मैं समझता हूँ 30-40 साल पहले तो उनका स्वर्गवास भी हो गया होगा। मतलब दादा बतलाते हैं, जब दादा युवा थे ना, जब यहाँ आए थे 35-40 साल की उम्र में, तो उस समय में भी बुजुर्ग थे, अब समझ लो आप। पंडित चैन सुखदास जी आज भी उनके पढ़ाए हुए विद्वान यहाँ जयपुर जैन समाज में कई हैं जो चैन सुखदास जी की बात कहते हैं, और पंडित चैन सुखदास जी बहुत प्रतिष्ठित विद्वान, पूरे देश में ख्याति थी उनकी, बहुत समर्थ विद्वान थे, कुरीतियों का बहुत दृढ़ता से विरोध करते थे, बहुत दृढ़ता से विरोध करते थे। समाज में व्याप्त विकृतियों को दूर करने के लिए उन्होंने कमर कस रखी थी मानो, और आज भी जो विद्वान हैं वे लोग कहते हैं हम उनके शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं, ऐसा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। टोडरमल जी की इन पंक्तियों को देख करके हमारे को लगता है चलने नहीं देंगे आगे, क्यों चलने देंगे। शांतिलाल जी साहब भीलवाड़ा से, सही कह रहा हूं कि नहीं बात बोलो, ऐसा है। देखिए संक्रांति की बात हो गई, यदि पैतादि दान देता है, बुरे ग्रहादिक के अर्थ दान देता है, ग्रह शांति, ग्रह शांत हो जाएंगी। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है, अब लेने वाले कौन है, लेने वाले भी लोभी, उन्हें दान देता है। दान देने में स्वर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुओं को देता है। अब ये उस समय में होते होंगे, टोडरमल जी के समय में घोड़ा ही दान दे रहा है, हाथी दान दे रहा है, सोना चांदी आदि दान दे रहा है, वो जमाना था, आज तो सोना कौन दान देता है, है? लेकिन दान देने में ऐसी वस्तुएं, लास्ट में इन्होंने क्या कह दिया, तिल, तिल भी देते हैं संक्रांति आदि के ऊपर, तिल आदि देने का तो रिवाज दिखाई देता है, परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। संक्रांति कौन सा पर्व है, धर्म का तो संबंध नहीं है इसमें। ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं, कोई ऐतराज नहीं है संक्रांति में, हमारे को कहां ऐतराज, हमने तो कहा ना एक बार नहीं 12 बार होती है साल में संक्रांति। ज्योतिषियों का, ज्योतिष देवों की चाल है सब, ग्रहादिक की तथा दुष्ट ग्रहादिक के अर्थ दिया, वहां भय लोभादिक की अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है, ग्रहादिक को शांत करने के लिए दे रहा है। बोलो अब आप, जो ग्रहों को शांत करने के लिए दे रहा है वहां तो डर करके दे रहा है, राहु केतु के लिए दे रहा है, शनि आदि के लिए दे रहा है, मंगल आदि के लिए दे रहा है, शांति हो जाए साहब इस ग्रह की शांति से, घर में शांति हो जाएगी, तो तुझे तो डर है, तुझे तो लोभ है, इसलिए दान देने में धर्म कहां हुआ, कषाय का पोषण हुआ। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है। बोलो लोभी पुरुष है वो देने योग्य पात्र नहीं है, मतलब लोभी व्यक्ति को पात्र जान करके आप दे रहे हैं तो वो योग्य नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं। ओ आ जाते हैं दान दक्षिणा लेने के लिए कई तरह के लोग, जैन अजैन लोग, धर्म के नाम पर आप ऐसा करोगे, आप इतना दो साल आपके नाम से हवन कराएंगे, आपके नाम से ये कराएंगे, आपके नाम से जाप कराएंगे, आपके नाम से विधान करा देंगे, आप तो यहाँ बैठे हो अम्मा जी कोई बात नहीं, आपके नाम से महावीर जी में विधान कराएंगे, आपके नाम से यहाँ करा देंगे, आप चिंता मत करो। क्या
आप चिंता मत करो, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम तो हम ही करा देंगे। ये जैसे और दूसरी परंपराओं के अंदर पंडे लोग किया करते हैं, वैसे जैन परंपरा में भी होने लग गया है। देखिए बहुत करेंगे चर्चा भी, धीरे धीरे करेंगे सारे बातों के संदर्भ में, और ये प्रसंग भी है इस तरह का कि दस लक्षण पर्व पूरा होने के पहले पहले अपनी ये चर्चाएं भी हो जाएंगी सब। जैसे दस लक्षण पर्व के अंदर ये जो विकृतियां ज्यादा दिखती है ना, कुछ तो 1% भी यदि फर्क पड़ गया तो मैं समझता हूं मेरा कहना सार्थक हो गया। 1% की बात कर रहा हूं सिर्फ। देखिए लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते हैं। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे। अरे दान देने में भलाई तो तब है जब आपके द्वारा दिए गए धर्म धर्म में प्रवर्तन हो, उससे स्वाध्याय हो, उससे पठन पाठन हो, उससे बच्चों को शिक्षा मिले, उससे जैन धर्म की जानकारी लोगों को मिले, तब तो ठीक है, तब तो वो साधन है, सहायता है। परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है, पाप के सहायक का भला कैसे होगा? तुमने तो पाप में सहायता की है, वहां कैसे भला हो जाएगा भाई साहब? पाप और पापियों की सहायता में तो धर्म नहीं हो सकता है। अरे धर्म तो कुछ और है क्या? इन क्रियाओं में धर्म नहीं है, इन प्रवृत्तियों में धर्म नहीं है, इस प्रदर्शन में धर्म नहीं है, इस दिखावे में धर्म नहीं है। धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। धर्म बाहर में नहीं होता, धर्म तो अंदर में होता है। धर्म तो आत्मा को जानने से होगा, आत्मा को पहचानने से होगा, अपने में लीनता से होगा। अपने को जाने नहीं, अपने को पहचाने नहीं, अपने को समझे नहीं, और ये समझ लिया कि हम धर्म कर रहे हैं, धोखे में है, गलतफहमी में है। ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए, धर्म के नाम पर विकृतियां दूर होनी चाहिए और सच्चे धर्म का स्वरूप समझना चाहिए। ये तो मोटा मोटा कचरा साफ करने की चर्चा चल रही है। छठा अध्याय माने धर्म के नाम पर मोटा मोटा कचरा हटा दिया, जो बारीक झाड़ू लगाएंगे वो तो सातवें अध्याय में जाकर के लगाएंगे। तो कम से कम मोटा मोटा कचरा हमारे जीवन से, हमारे परिवार के जीवन से, हमारे परिचित लोगों के जीवन से निकले, फिर सूक्ष्म भूले निकलते हुए ये मिथ्यात्व रूपी बैरी का अंश मात्र भी हमारे अंदर से निकल जावे, सम्यक्त्व की प्राप्ति करके सच्चा धर्म प्रकट हो और अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।